guys, welcome or welcome back to my channel. This is me, Sana Mehrotra. If you are seeing this space for the very first time, hit the subscribe button down below and also hit the bell icon next to it so that you get notified each time I upload a new video. So guys, welcome back to hashtag Pataka Birthday series. So guys, this is the second video of this series, and for this video I am going to create DIY decor pieces. So if you are the one like me who likes doing creative stuff और आप चाहते हो कि कुछ अफोर्डेबल पीसेस जो हैं वो आप अपने घर पे ही बना सको, मार्केट से भी ले सकते हो, ऑब्वियसली वो भी काफ़ी अफोर्डेबल हैं आज के डेट में, बट अगर आप खुद से क्रिएट करते हो ना गाइस, तो उसमें एक आपके इमोशंस जुड़ जाते हैं, आपकी क्रिएटिविटी इन्हांस होती है, प्लस आपका दिमाग जो है ना वो इधर उधर नहीं भागता है फालतू की चीज़ों में. सो आप अगर मेरी तरह हो और आप भी चाहते हो कि आपका दिमाग इधर उधर ना भागे और आपका घर भी सुंदर लगता रहे, तो क्रिएटिव बनो यार और क्रिएटिविटी करते रहो. इफ यू गाइस वांट टू गेट सम इंस्पिरेशन और मुझे देख करके थोड़ी मोटिवेशन चाहते हो, या आप देखना चाहते हो कि मैंने कुछ क्रिएट जो भी किया है वो क्या क्रिएट किया है, तो लेट्स जस्ट क्विकली get into the video. Guys, the first thing that we are going to create is this beautiful arrow. So, for making this arrow, all you need is ice cream sticks. और आपको कलर चाहिए बेसिकली. सो जो भी कलर आप करना चाहो ना, आप वो कलर ले सकते हो. मैंने यहाँ पे एक्रेलिक कलर्स यूज किए हैं और मैंने इसको ब्लू कलर में किया है. आप चाहो तो आप कोई भी कलर कर सकते हो. और बेसिकली गाइस, आपकी जो भी वॉल है या फिर आपको जहाँ पे भी लगाना है, उसी के एस्थेटिक को मेंटेन करते हुए जो भी कलर आपको सूटेबल लगे, आप वो कलर कर सकते हो. सो लेट्स जस्ट क्विकली हैव अ लुक कि मैंने इसको कैसे बनाया है. हेयर आई हैव टेकन पॉप्सिकल स्टिक्स विद मी एंड आई एम स्टिकिंग 3 ऑफ दीज स्टिक्स इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रायंगल दैट विल बी आवर एरो हेड. सो दिस इज हाउ इट शुड लुक एट द एंड. नाउ कमिंग टू द body of the arrow, here I am sticking 3 popsicle stick in a straight line. Each stick will overlap each other. Now for the tail of the arrow, first of all I have sticked these stick in the form of a heart that we must have done in our childhood days. At the bottom part of the tail we are sticking 2 arrows like this pointing upwards. Similarly, we will be sticking 2 more sticks in the center of this tail. Now we have head, body and tail ready separately. So we must need to assemble it. So I am sticking body, that is 2 straight sticks parallel to each other, to the head of the arrow and then the tail to the body like so. So this is how it should look. Now it is the time to color it. You need color and brush for it. Here I have mixed blue and white to make lighter shade of blue, and I am coloring it all over the arrow to give it a finished look. Ta-da! Our arrow is ready. Now I have used double-sided tape to stick it on wall. The next item that we are going to make is this beautiful S letter unicorn piece. So guys, जो भी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ ना, ये सारी ही चीज़ें मैंने Pinterest पे देखी हुई हैं और वो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कि इसके कुछ पीसेज मैं क्रिएट कर लेती हूँ. सो दिस इज़ द वन दैट आई हैव सीन ऑन Pinterest और ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था. So I have created this. अगर आप भी चाहते हो इस तरीके का कुछ लेटर क्रिएट करना, तो आप भी क्रिएट कर सकते हो. ये काफ़ी ईजी है.
एस नहीं, आप कोई भी अल्फाबेट क्रिएट कर सकते हो, बस आपको उसी के शेप का, आई मीन आपको अपने इनिशियल्स या फिर जिसके लिए भी आप बनाना चाहते हो, बस अपना वो पर्टिकुलर अल्फाबेट आपको कट करना है और बस आपको इस तरीके से डेकोर कर देना है. सो इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड टू सी कि ये कैसे बना है, सी दी फर्दर क्लिप्स टू नो हाउ आई हैव क्रिएटेड दिस. द स्टंप दैट यू नीड फॉर दिस पर्टिकुलर पीस इज पेपर्स, जिससे मैंने ये फ्लावर बनाया है, कुछ मोती के पीसेस जिससे मैंने ये पेपर पिन इंसर्ट की है. सो पर्ल, पेपर पिन, देन फ्लावर्स. आपको रेडीमेड मिल जाता है तो रेडीमेड सही है, अदरवाइज आप इस तरीके से पेपर वाले फ्लावर्स भी लगा सकते हो, उसके लिए आपको पेपर चाहिए. देन आपको चाहिए ये ग्लिटरी वाले जो पेजेस आते हैं, वो ग्लिटरी पेजेस आपको चाहिए दो कलर्स में. गोल्डन कलर इज फिक्स्ड और ये पिंक कलर आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग. एक वाइट शीट चाहिए, आपको कुछ चिपकाने के लिए चाहिए, और आपको चाहिए कार्डबोर्ड के पीसेस. कार्डबोर्ड आप मार्केट से भी खरीद सकते हो या तो फिर आपके पास पार्सल्स वगैरह, ऑनलाइन कुछ भी चीज़ें मंगाते हो, पार्सल्स वगैरह जो भी आते हैं, आप वो कार्डबोर्ड पीसेस यूज कर सकते हो, जैसा कि मैंने किया है. हियर आई हैव टेकन पिंक कलर पेपर एंड कट इट इनटू अ सर्कल एंड फोल्डिंग इट लाइक सो. देन मैं यहाँ पे फोल्ड किए हुए पेपर पे दो पेटल्स का शेप ड्रॉ कर रही हूँ. फिर हम बिना फोल्ड को ओपन किए इसे कट कर लेंगे. सो दैट कट करने के बाद ये कुछ इस तरीके का फ्लावर शेप बन जाएगा. फिर यहाँ पे मैं क्यूटिप को यूज़ करके और पेपर को इस तरीके से फोल्ड कर रही हूँ, सो दैट जब फ्लावर कंप्लीट हो जाए तो वो काफ़ी खिला खिला सा लगे. फिर यहाँ पे मैंने दो पेटल्स को कट किया है स्ट्रेट, और फिर मैंने स्लैंटेड एक कट करके छह पेटल्स को अलग कर दिया है. इसी तरीके से मैं यहाँ पे भी दूसरे फ्लावर पे कर रही हूँ, दो पेटल्स को स्ट्रेट एंड देन फोर पेटल्स को स्लैंटेड कट करके सेंटर से निकाल दूँगी. यहाँ पे मैंने दो ही पेटल्स को अलग किया है, देन यहाँ पे मैं दो पेटल्स को कट करके और स्लैंटेड दो पेटल्स को अलग कर दूंगी सेंटर से. आई मीन आपको इस तरीके से कुछ पीसेस रेडी करने हैं जिसमें फिनिश जो हमारा प्रोडक्ट हो उसमें 14 पेटल्स, देन 12 पेटल्स, देन 10 पेटल्स, देन 8 पेटल्स, 6, 4, 2 इस तरीके से रहे. जो हमने यहाँ पे दो पेटल्स कट की थी स्ट्रेट, वो इसलिए थी कि हमें इस तरीके का एक वी शेप मिल जाए, सो दैट हम इसको इस तरीके से स्टिक कर लेंगे. इसी तरीके से गाइस आपको सारे फ्लावर शेप जो है उसको स्टिक कर लेना है. स्टिक होने के बाद गाइस जो फोर पेटल्स का फ्लावर रेडी हुआ है वो उसमें हम जो दो पेटल वाला फ्लावर था उसको स्टिक कर देंगे. देन यहाँ पे 14 वाला जो रेडी हुआ था फ्लावर का एक पैटर्न, उसके ऊपर 10 वाला, देन उसके ऊपर 8 वाला, फिर उसके ऊपर 6 वाला, और फिर उसके ऊपर 4 और 2 वाला हम स्टिक कर देंगे. सो गाइज यहाँ पे मैं एस लेटर को ड्रॉ कर ले रही हूँ कार्डबोर्ड पे. ड्रॉ करने के बाद गाइज इसे हमें कट कर लेना है. इस तरीके से हमको गाइज दो पीसेस कट करने हैं सो दैट वो एक टॉप पे रहे और एक बॉटम पे रहे. फिर कुछ इस तरीके से हमें स्ट्रिप्स कट कर लेने हैं. फिर यहाँ पे मैं एस के सर्कमफेरेंस पे इस स्ट्रिप को पेस्ट कर रही हूँ. पेस्ट करने के बाद गाइस मैं इसे ड्रायर से अच्छे से सुखा रही हूँ सो दैट ये जल्दी ही सूख जाए, क्योंकि ठंड बहुत है आजकल तो ये जल्दी सूखेगा नहीं. इसके बाद मैंने स्ट्रिप पे फेविकोल लगा दिया है और उसके ऊपर से मैं ड्रायर चला रही हूँ 30 to 40 seconds के लिए, सो दैट जब हम टॉप वाला एस इस पे पेस्ट करेंगे तो वो जल्दी सूख जाए. फिर मैंने यहाँ पे दूसरा कार्डबोर्ड का पीस इसके ऊपर पेस्ट कर दिया है. गाइस मेक श्योर कि इसमें कोई भी गैप ना रह जाए सो दैट ये इजीली स्टिक हो जाए.
Now I have used a glitter sheet on top of the cardboard. Here I have used paper pin so that it sticks properly and does not leave any gap in between. Now leave it aside so that it sticks on properly. Next day guys, मैंने इसके ऊपर से पिन निकाल लिया है और कुछ इस तरीके से मैं ईयर बना रही हूँ अपने S letter के ऊपर लगाने के लिए. Now paste the ears. Guys, repeat the same steps as I am doing to make unicorn horn. यहाँ पे भी guys मैंने paper pin का use किया है so that ये easily चिपक जाए. Now decorate it like so to get the finished look. And ta-da! This is ready. So the last thing that we are going to create for this video is this beautiful piece. So guys, ये बहुत ही simple है और कुछ भी पैसे नहीं लगने हैं इसमें guys. So all you need for making this beautiful piece is cardboard. जो भी आपके orders आते हैं, जो उसके cardboard boxes होते हैं, बस आपको उसी की ज़रूरत है, एक cello tape की ज़रूरत है और पेंट की ज़रूरत है, बस. तो चलो देख लेते हैं कि ये ब्यूटीफुल सा पीस मैंने कैसे बनाया है. यहाँ मैं कार्डबोर्ड को अलग अलग साइज में स्क्वायर और रेक्टेंगल में कट कर रही हूँ. बिफोर कटिंग मेक श्योर कि उसमें कुछ सिमेट्री हो. आप एंड रिजल्ट देख करके समझ जाओगे कि मैं किस सिमेट्री की बात कर रही हूँ. फिर मैंने अलग अलग पैटर्न में टेप को पेस्ट कर दिया है सारे ही पीसेस में. फॉर रेफरेंस आप इसे देख सकते हो. Now you have to paint it, but make sure कि टेप अच्छे से पेस्ट हो, वरना जहाँ पे हमें पेंट नहीं करना है वहाँ पे भी कलर घुस जाएगा. फिर इसे हमें सूखने के लिए रख देना है. पेंट सूख जाने के बाद आराम से टाइम देते हुए हमें सारे टेप को निकाल देना है.
टेप निकालने के बाद अगर आपको ऐसा लगे कि कहीं पे फिनिश्ड लुक नहीं आ रहा है और कलर कहीं पे रह गया है तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हम इसे बाद में भी फिनिश्ड लुक दे सकते हैं। सो दिस इज द एंड रिजल्ट। देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर के मार्कर से आउटलाइन कर दिया हर एक पीस में, हर पैटर्न डिजाइन पे 3D इफेक्ट देने के लिए। यहाँ पे देखो इस तरीके से मैंने कहीं पे मोटी कहीं पे पतली आउटलाइनिंग कर दी है। जब मैंने यहाँ पे लगा रही थी तो मेरा ये येलो बैकग्राउंड है तो उतना ज़्यादा ये उभर के नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने इस पे ब्लैक आउटलाइन कर दिया। आप चाहो तो आप कर सकते हो, अगर आपको नहीं करना है तो आप वैसे भी रहने दे सकते हो, वैसे भी बहुत प्यारा लगेगा। These were the 3 pieces that I have created for this video. ऐसे ही कुछ अच्छे अच्छे से DIY videos आपके लिए आते रहेंगे। एक तो इसी मंथ आने वाला है, probably next video हो सकता है या फिर next to next हो सकता है। So इस महीने तो decor आ रहा है, बाकी मैं इस तरीके के डेकोर पीसेस बनाती रहती हूँ। सो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक्स जो हैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मैंने कुछ DIY ईयरिंग्स वगैरह भी बनाए हैं तो आप वो भी उस देख सकते हो। सो ये जो भी पीसेस मैंने अभी बनाए हैं गाइस, सारे ही मैंने पिंटरेस्ट से देखे थे और ये काफ़ी अच्छा टर्न आउट हुए हैं और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं ये। सो इफ़ यू गाइस have enjoyed watching this video और अगर इन वीडियो को देख के आपको भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिली है कि आप भी उठो और मेरी तरीके से इस तरीके के कुछ पीसेस बनाओ, देन चलो फटाफट से बनाओ यार। और बना के अगर सिमिलर बनाते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करना, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल जो है आपको यहाँ पे दिख जाएगा। डू फॉलो मी देयर गाइज एंड शेयर दोज pictures of the pieces that you have created. इस तरीके के pieces जो भी आप बनाते हो ना, ये काफ़ी affordable होते हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। एक अंदर से आपको confidence आता है कि हाँ, मतलब मैंने अपना time जो है properly कहीं पर invest किया है। So इसी तरीके से creative रहो और अपने आप को positive रखो। So yeah guys, that was it for this video. I hope you guys have enjoyed watching this video. If you did, then please hit the like button and also subscribe to my channel before you leave. और अगर कोई इस तरीके से क्रिएटिविटी करता है आपके जान पहचान में, कुछ भी बनाता रहता है, तो उसके साथ ज़रूर ये वीडियो शेयर करना। And yeah, I'll see you guys in the next video. Till then, take care of yourselves, take care of your family, take care of your loved ones, and take proper precautions. I'll see you guys in the next video. Bye. Love you.